तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये मुकुट मतलब मैंने एक 14 नंबर, देखिए ये मतलब परचेज किया हूँ। ठीक, तो मैं आज इसका मतलब मैं दिखाऊंगा, मतलब कितने कॉस्ट में मेरे को पड़ा है, मतलब इसका दाम मैं बताऊंगा आप सभी को, और दिखाऊंगा इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मतलब रहते हैं, मतलब इसका सामान में क्या क्या रहता है, कितनी चूड़ी रहती है, मतलब क्या इसमें क्वालिटी है कि नहीं है, तो उसी के बारे में हम इसको मतलब इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है भाई, अपने भाई का ही चैनल है, तो मैं इसको खोलने का मतलब पहले से ही खोल कर रख लिया हूँ। ठीक है, तो अनबॉक्स मैं इसका मतलब पहले ही कर चुका हूँ, तो निकाल के मैं दिखाने वाला हूँ आप सभी को इसके अंदर में क्या क्या मतलब मेरे को मिलता है। ठीक, तो ये जो मुकुट है ये कोलकाता से मैं परचेज किया था, कुमार टोली को गया था, वहीं से लाया था, तो ये मेरे को सस्ता पड़ा है थोड़ा। ठीक, तो दिखा भी बता दूंगा दाम भी इसका मतलब कितने का है। ये 14 नंबर मुकुट है, ये 5 फीट मूर्ति में बड़े आराम से ये फिट हो जाएगा। ठीक, जैसे फेस के ऊपर डिपेंड करता है, फेस कैसे आप लगा रहे हैं, छोटा बड़ा, मतलब शरीर के ऊपर भी इसका वो जाता है, फेस तो शरीर मतलब मोटा है, पतला है, कैसा है, तो उसके ऊपर भी ये जाएगा। तो इसको बहुत सावधानी से ही निकाला जाता है, देखिए, नहीं तो ये फटने का खतरा रहता है। देखिए, बहुत आराम से इसमें जो मतलब गम यूज़ किया जाता है, बहुत ही हार्ड क्वालिटी का रहता है, ये चिपकता बहुत है, देख सकते हैं आप कितना चिपक रहा है, आवाज़ सुन रहे होंगे आप, मैं इसको निकाल रहा हूँ आराम आराम से। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने इसको मतलब इसका ये पूरा सामान अलग कर लिया है, तो मैं एक वीडियो खटिए पर बना रहा हूँ, मतलब चारपाई पे, उसके लिए माफ़ करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैं आपको दिखाने वाले एक सामान दिखाऊँगा आपको, ठीक है, ये देखिए, ये हाथ का चूड़ी रहा, ठीक, ये बाहें पे लगता है, बाँह पे लगता है, ठीक है, और ये मतलब मेन चूड़ी इसका दिखा दूँ, इसकी क्वालिटी कैसी है, तो क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी मतलब है, जिसने मतलब जितने रेट में है बहुत ही अच्छा मुकुट है ये। तो ये देखिए दिखा रहा हूँ, तो ये रहा चूड़ी, देखिए ये वाला, मतलब कि ये यहाँ वाला है, ठीक है, इस हाथ पे कलाई वाला ये रहा। ठीक, बहुत लोग उल्टा कर देते हैं, ये कलाई पे लगा देते हैं इसको, मतलब चूड़ी पे लगा देते हैं, तो जैसे आपको समझ में आए वैसे लगाइएगा। तो ये इसका चूड़ी का क्वालिटी बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, और इसका कान वाला कुंडल दिखा देते हैं आपको मैं, बहुत चिपकता है भाई ये, बहुत बचा के निकालना पड़ता है, फटने का खतरा रहता है। तो आप सभी के लिए मैंने ये मुकुट खोला है, ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट में मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ठीक, मतलब जहाँ मतलब इसका रेट फिक्स नहीं रहता, जो कहने को साफ, कहीं पे दूसरा रेट है, कहीं पे मतलब इसका रेट आगा पीछा रहता है। तो ये देखिए, इसका कानों का मतलब कान का कुंडल भी बहुत अच्छा क्वालिटी का दिया हुआ है इन्होंने, ठीक ठाक ही कंडीशन में, पेपर का नहीं, मतलब ये देखिए क्वालिटी इसकी पेपर नहीं है, इतना लगा है इस कपड़े का ये लगा है, देख लीजिए ये कपड़े के जैसा है, लेकिन कपड़ा है नहीं, कागज़ है, लेकिन कपड़े के जैसा लग रहा है देखने में। तो इसको मैं साइड में करता हूँ, ठीक, सभी को, उसके बाद और देखते हैं मतलब जेवर इसका कैसा है, और जेवर तो एक एक मैं आराम आराम से करके दिखा रहा हूँ आपको, तो इसमें लेट हो सकता है आप सबको। ठीक है दोस्तों, इसलिए माफ़ करिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, निकालने में समय लग रहा है, मैं वीडियो कट पिट नहीं कर रहा हूँ, लगातार मतलब वीडियो मेरा चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसको देखिए निकाल लिया हूँ एक एक को, ठीक, ये गले का हार दिया हुआ थोड़ा मुड़ गया है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा मतलब हार इसका, तो हार की क्वालिटी भी बेटर है, मुड़ गया है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैं इसको खोला हूँ, देख लीजिए, ठीक, ये देखिए ये वाला हो गया, ये उसका करधन भी मतलब करधनी जिसको बोलते हैं, जो कमर बंद में लगता है, वो भी काफ़ी औसम लुक है इसका भी। तो ये मुकुट जो है ठीक ठाक कंडीशन में है, ठीक, तब इसको आप मूर्ति सजाने के लिए इसे लगाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है इसका, देख लीजिए, किसी भी सामान में मतलब कमियां गिरी नहीं, कि जितने रेट में मेरे को दिया है बहुत ही अच्छा सामान है ये। इसको सब हम साइड में करते हैं, मेन करते हैं मुकुट के ऊपर, मुकुट की क्वालिटी देखते हैं कैसी है। ठीक है दोस्तों, इसको भी खोल लेते हैं, पन्नी के अंदर में है, तो एक सेकेंड जोन करते करेगा, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं इसका लुक, मतलब मैंने पूरा खोल दिया है इसको, ठीक है, छिदरा दिया है तो देखने के लिए। तो मुकुट जो मेरा मोइन मुकुट रहा, तो ये रहा मेन मुकुट, देख लीजिए, बहुत ही औसम लुक है इसका, पूरा जरी का काम किया हुआ है इन्होंने, देख लीजिए,
तो जो मैं इसका मतलब प्राइस में डालूंगा वो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक, मुँह से नहीं बताऊंगा मैं, तो मुँह से बताने से मतलब किसी का रेट ख़राब हो तो का फ़ायदा। मेरे को ओरिजिनल जो प्राइस मेरे को मिला है मैं वही रेट मतलब जाके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ पर आप जाके देख लीजिएगा। तो इसको मतलब ख़रीदने के लिए ठीक है, आप कलकत्ता या मतलब अपने लोकल में भी खरीद सकते हैं, लेकिन रेट आपको मैं बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मुकुट भाइयों कैसा लगा आप सभी को? और एक मुकुट मेरे पास और रहा है, ये मतलब बहुत ही हल्के में मुकुट है, बहुत ही हल्के में मुकुट है ये वाला, देख लीजिए। तो मैं इसका मतलब अनबॉक्सिंग अभी नहीं करूँगा, इसका अनबॉक्सिंग मैं बाद में करूँगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो 12 नंबर का मुकुट है, ठीक है, बहुत ही सस्ता मतलब प्राइस, इसका भी मैं प्राइस मतलब डिस्क्रिप्शन के नीचे मतलब डालूँगा। छोटा वाला 12 नंबर है, 14 नंबर है, इससे बड़ा भी मैं कभी मतलब सम्मिलक में दिखा दूँगा आपको, 16 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर। तो मैं मतलब एक एक वीडियो मतलब आराम आराम से डालूंगा। 16 साइज का भी मैं दिखाऊंगा आप सभी को। 16 साइज तो मेरे पास अभी है नहीं, तो दुर्गा पूजा के करीब में मैं 16 साइज जो अपने मूर्ति में लगाया था मैं दिखा नहीं पाया था आपको सही से, लेकिन अब की बार मैं 16 साइज लाऊंगा तो आपको मतलब ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो चलते हैं। ठीक है, जय माता दी।